सबसे सवाल है एक और भी सवाल, बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरोपी का समझ से, रेलवे और ब्रिज के नीचे उसका दुकान उकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था, आया कहा कि सर ऐसे 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 मेरा भाई सब हमको लगता है यार पहली बार आए, कहा सर पहली बार आए, हमने कहा ये भी वोट हुआ उसकी निश्चित रूप से आपने लालटेन को ही वोट दिया होगा, कहा जी सर लालटेन को दिया, हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए, सर घबरा गए, हमने कहा किस विचार से आए, ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को, आप पहली बार आए हैं चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए आपने लालटेन दबाया, अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं, आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं, मैं नहीं कर सकता, और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं करूंगा, मेरे यहां हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा, स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आपके